ये जो कार देख रहे हैं आप ऑडी A7 है। इसको हम लोगों ने स्टेयरिंग रैक पूरा चेंज किया है अभी, उसकी वीडियो बनानी थी क्योंकि वो थोड़ा नीचे का काम था। ठीक है, तो इसको कैसे फिटिंग करते हैं, क्या नाम इसका, कम्युनिकेशन स्विच जो है, लाइट बैट का जो स्विच है, इसको हेडलाइट वगैरह वाइपर सब चलता है जिससे कम्युनिकेशन स्विच, और स्टेयरिंग कैसे खोलते फिटिंग करते वो सब देखते हैं आज क्या है कैसा नहीं। ठीक है, ज़्यादातर एक्स्ट्रा रेलिंग की यूज़ होती है जो भी जर्मन की गाड़ी है, ऑडी, वॉक्सवैगन, स्कोडा वगैरह। ठीक है, स्टीयरिंग पकड़ कर जावेद, इसको हम लोग ने खोला था ऑलरेडी, ऐसे भी फिटिंग किया हुआ है टेम्परवरी के लिए, वापस से इसको फिटिंग करके फिर वापस से भी खोलना है। ठीक है, और ये बहुत ईजी निकल जाता, बाकी गाड़ियों को जैसा नहीं कि बहुत ठोकम ठाक करने की ज़रूरत नहीं, छोड़ दें उसकी, बहुत इजीली निकलता है। ठीक है, ओके, ये आ गया स्टीयरिंग। पहले हम लोग ने कम्युनिकेशन स्विच जो है ये खोल के रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा नया लगा रहा है इसका, स्टीयरिंग का जो नीचे का कॉलम है, देखते हैं कि इसको क्या फिटिंग रहता है, कौन सा स्क्रू क्या नहीं, इसमें इसके नीचे तरह एक्स्ट्रा लंकी का बोल्ट रहता है, दिखाओ बाबा इस साइड घुमा थोड़ा, हाँ ये लंकी रहता है, सेंटर में बिठाना उसको, उधर अंदर साइड एक खाचा रहता है, खाचे में बैठ जाता है बराबर। सॉकेट बाद में लगा भाई, सॉकेट पहले इसको बिठा लेते फिर सॉकेट लगता है। ठीक है, ओके यार, थोड़ा आराम से बिठाने का इसको, क्योंकि ये घाई वाला काम नहीं है, आराम से देखती है। ठीक है, कहाँ है लंकी ले क्या भाई, ज़्यादा टाइट नहीं करने का, नहीं तो टूट भी जाता है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का आइटम है, फिर वो ख़राब हो जाता है, हिसाब से टाइट करने का इसको, और एक बार हिला के देख लो, एक बार थोड़ा घुमा के कर ले थोड़ा टाइट, थोड़ा इसको हिला के चेक करते, पहले थोड़ा और टाइट कर लेते, ऐसा इसके अंदर एक खाचा रहता है, वो खाचे में जाके बैठता तभी बरबर बैठेगा, नहीं तो फिर ही बैठता नहीं। ठीक है, एंड बस मोबाइल पकड़ में फिटिंग करता है, बस करते भाई थोड़े हो गया, ठीक है ये बैठ गया, सॉकेट लगा लेते, इसके अंदर दो है, दो सॉकेट रहता है,
तीन स्क्रू आता है इसके अंदर, एक नीचे से आता है बीच में, देखें दो ऊपर लगता है, ठीक है बस। दो इधर आमने सामने, इधर लगता है लेफ्ट राइट में, एक सेंटर में आता है नीचे से बीच में। ये भी स्टारलिंग की बोल्ट है, ये भी जो स्क्रू स्टारलिंग की लगा हुआ है इसमें। आराम से लगा मशीन में लग जाएगा, इसको इधर लगता है, ठीक है। और ये जो ऊपर कवर है सिर्फ प्रेस रहता है, इसमें कोई स्क्रू नहीं रहता है। तो सेंटर में मतलब दोनों का ये साइड खाचा, वो साइड थोड़ा दबाओ, दोनों दबा के प्रेस करने से लॉक हो जाता है, ठीक है। ये लॉक हो गया, ये स्टीयरिंग बहुत ईजी निकलता भी है, बहुत ईजी बैठता भी है। बाकी गाड़ी जैसा नहीं कि हथौड़ी मारो कूलर लगाओ, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ईजी निकल जाता है। पैनल आ जावे, जैसा देख सकते स्टार लिंक है इसमें भी, बोला ना भाई डिस्टेंस। बस ये वीडियो में जो मेन आइटम है ये दिखाता हूँ आपको अभी मैं, कभी भी इसको एयरबैग का जो हॉर्न का कवर है इसको निकालने के लिए, जो देख रहे हैं वायर हाथ ला के दिखा पाटी देखो, देखो दिखा रहा हूँ आपको एक सेकंड। पीछे साइड से इसको, बैक साइड से इसको ऐसा प्रेस करेंगे ना स्क्रूड्राइवर से, किसी भी चीज़ से तो निकल जाता है। कोई भी गाड़ी हो जैसे विंटो वॉक्सवैगन, ये सब में भी ऐसा आता है। ये यहाँ से नहीं कटाना है इसको, बहुत लोग यहाँ से भी कटाते रहते हैं, यहाँ से नहीं कटाना है इसको, ठीक है। ये जो दो होल दिख रहे हैं आपको पीछे साइड से कवर, इसको निकालेंगे जब लूज़ करेंगे अपना, तो पीछे से स्क्रूड्राइवर से ये देखो ऐसा दबाएंगे अपने आप बाहर फेंक देगा। एक बार इस साइड से प्रेस करना है, एक बार उस साइड से प्रेस करना है, ऑटोमेटिक खुद बाहर फेंक देता है। बहुत लोग क्या नीचे से दबाते फिर वो निकलता नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। लोगों को पता नहीं फिर खींचते या टूट जाएगा या कुछ होता है, तो इसको जब भी निकालना रहे तो उसको बाहर से पीछे साइड से प्रेस करने का, देखो ऐसा प्रेस होता है, ये दबाओ बाबा, देखो ऐसा दबता है, बैक साइड से आप दबाओगे निकल जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज़ से पतली चीज़ से लेके ऐसा सिर्फ दबाओगे बाहर फेंक देता है। उनका जो कैप है ऊपर का एयरबैग का, और ये जो लॉक इसकी जो सॉकेट है देखो, देख रहे हैं आप, ये दोनों में लॉक होता है, ठीक है, ये होल में फंसता है। और ये जो सॉकेट है इसके ऊपर एक कैप आता है, पहले एक कैप निकालना उसके बाद ये सॉकेट कभी भी निकलती है, जो सॉकेट अभी फंसा रहा है ये सॉकेट, ठीक है। पहले सॉकेट बिठाना है, बाद में कैप को अंदर प्रेस करना है, पहले सॉकेट को अंदर प्रेस कर देना, फिर एक ग्रीन कैप को अंदर प्रेस कर देना। दो वायर इसमें भी लगता है, उसका एक हॉर्न का इधर का साइड में, इसको कुछ नहीं सेंटर में पकड़ के सिर्फ प्रेस कर देना, थोड़ा साइड से ठोक दे उसको पकड़ के, मार हल्का फटका मुश्किल नहीं, ठीक है ओके। बैटरी और खुला है ना, सेंटर में थोड़ा दबा दे भाई यार, ठीक है। तो इसको एकदम सेंटर में रख के थोड़ा दबा देंगे, हो गया बैठ गया बस ये। एंड बैटरी पाने लगे, बैटरी लगाते जाए यार, ठीक है ओके।
अच्छा बैटरी वायर खुला हुआ, पहले बैटरी वायर लगाते हैं। इसकी जो बैटरी है वो डिक्की में रहती है। ये बैटरी इसकी जैसा कि देख सकते हैं आप, स्टेपनिंग निकालने के बाद रहता है, नीचे लगा हुआ रहता है स्टेपनिंग के नीचे, ठीक है। ये इसका लोकेशन है, यहाँ पे बैटरी फिटिंग होता है इसका, वो भी दिखाती है। जी स्कैन लग गया भाई, जी स्कैन से चेक करते हैं। तो अभी बैटरी वाला लगा दी, एक बार इसको पहले देखते जो भी ट्रबल कोड हो क्लियर करके देख लेते क्या है क्या नहीं इसमें, ठीक है। देखते क्या ट्रबल कोड है उसको पूरा क्लियर करते फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो बेटर रहेगा, कोड आने से पहले एक बार स्पेशल फंक्शन में जाओ ना भाई। बहुत पुराना इसके अंदर है लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं बट काम करता है। क्लियर करो, चलेगा ओके, क्लियर मार देते, ये सब ट्रबल कोड आ रहा है। बैक कर दो इसको, निकालो सब, ठीक है। जैसा कि देख सकते गाड़ी स्टार्ट है, स्टीयरिंग भी काम कर रहा है सही शॉट अभी है, और कोई लाइट वगैरह नहीं आ रहा इसके अंदर, तो कभी भी थोड़ी बड़ी गाड़ी का काम करने का थोड़ा केयर करके, सब गाड़ी का काम हो गया इसका। टेबल निकाल देना बाबर, कोई लाइट माइट नहीं आ रहा है, कवर देख बैठा नहीं साइड में जरा, तो इसका वापस से खोलना है कवर, जिसका गियर भी छुट्टा करना है। इसके लिए सीट टेम्पर वाली फिट की स्टेयरिंग चेक करने के लिए ओके है कि नहीं,